सब कुछ होता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर होता है। वी आर गोइंग विद द कल्चर, नॉट विद द और आपको ऐसा लग रहा है कि पत्थर है, लेकिन ये पत्थर नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ रियलिटी क्या है इसकी। दोस्तों आज हम जा रहे हैं सियार पार्क में, जो कि नेहरू प्लेस में है। वहाँ पे बहुत सारे पंडाल लगाए जाते हैं माता रानी के, और हम वहीं पे जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं रास्ते में हूँ, तो आपको मैं वहीं मिलूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे कैसे पंडाल वहाँ पे लगाए जाते हैं और माता रानी की कितनी अच्छी अच्छी झांकियाँ भी निकलती है वहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सीधा वहीं पे चलते हैं और मिलते हैं वहीं पे आगे वीडियो में। वन ऑफ द बेस्ट दुर्गा पूजा इन दिल्ली एनसीआर। और हमारे साथ वही पुराने दोस्त, वही प्रीत। जब मिल बैठेंगे चार यार, आकाश भी आ गए, वन ऑफ द चीज उसको आठ चीज। और फिर से वही सिचुएशन आ गई है बांग्लादेश वाली कि कोहली शतक बनाएंगे या मैच जिताएंगे, ये काम दोनों एक साथ होने वाला है। पर अभी रुक जा, अभी क्यों सागर, अभी नॉर्मल। क्या लगता है आपको? देखो मैं तो ये चाह रहा हूं उसका शतक ही बन जाए और हमें हमारे इंडिया जो है वो मैच भी जीत जाए। हो भी सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा है और चेज करने वाले रन जो है वो कम है। 2019 का बदला ले जा रहे थे दोस्तों, 2003 के बाद अब जीतने वाली है इंडिया। क्या रिएक्शन ले रहा है, क्या हो गया भाई? रिएक्शन ही ले रहा है, क्या हो गया भाई? भाई कैच आउट हो गया, वो छक्का मार के जिताना था उसको। चलते हैं अपनी मंजिल की ओर और यहाँ से हम चला देंगे भक्ति गाने। बैच के बीच में बंद कर रहा है, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है लगातार, पांचवी चीज है। फाइनली जो है हम सियार पार्क में पहुँच चुके हैं, लेकिन पार्क के पास तो नहीं, रास्ते में ही है। यहाँ पे लग रहा है बहुत तगड़ा जाम, दिखाते हैं आपको जाम। देखिए वहाँ तक पूरा रश लगा हुआ है और हमने गाड़ी यहाँ से करीबन हम 1 किलोमीटर चल चुके हैं और इतने पैदल चल रहे हैं अभी। यहाँ से देखिए जाम कितना सारा है दोस्तों। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। आगे चले आगे, नवरात्र फेस्टिवल में हमें बिल्कुल नॉनवेज रखा हुआ है और मैं आप इसे प्रसाद दे रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सही है कि ये गलत है? भाई अलग अलग कल्चर होता है ना, वी आर गोइंग विद द कल्चर नॉट विद द। कितना यहाँ पे रश हो रहा है, बहुत ज्यादा। मुझाब दिख रहा है, मां मुझाब दिख रहा है। तो इसके अंदर है बहुत सारे पंडाल वंडाल लिखे हुए और अभी यहाँ से हम एंट्री करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री करने का रास्ता है वहाँ को। इसका नंबर प्लेट देख, नंबर यहाँ से एंट्री ऊपर के लिए, ऊपर जाएंगे, ऊपर देखेंगे अंदर कौन कौन से पंडाल हैं, कैसे कैसे पंडाल हैं। तो सर फाइनली हम यहाँ चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे पंडाल भी हैं। यहाँ एक मंदिर है, देखो ऊपर चढ़ने के लिए। ये मेरा गांव है और दोस्तों ये मेरा गांव है, आओ तो मैं अपने गांव का टूर देता हूँ, आओ। कुछ बंगाली में बोलोगे आप? आमी तो माके बालो माची, ये हमारा गांव माची। तो देखें यहाँ पे क्या माता दुर्गा माता की क्या मूर्ति है, एक नंबर।
बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है दोस्तों यहाँ पर निकलने, क्योंकि आज जो है सेकंड लास्ट डे है, कल लास्ट मतलब कल और भी भीड़ होगी, और प्लस ये यहाँ पे आज संडे भी है ना, इसलिए इसे डबल नहीं दोस्त, आज अष्टमी है, सॉरी आज अष्टमी है, कल नवमी है, हो सकता है। यहाँ ऊपर है मंदिर जो है अलबेला मदनैनो वाला, इसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो कृष्णा है। इतनी भीड़ होती ना यहाँ पे, यहाँ दोस्तों जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं माता के, इतने खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ हैं माता की, और यहाँ पे जगह जगह परफॉर्मेंस भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी देर में परफॉर्मेंस स्टार्ट हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी पब्लिक बैठी हुई है आगे, और आगे पब्लिक और आ भी रही है, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पे भी हर जगह बैठी हुई है, बस परफॉर्मेंस थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। और पीछे हमारे मंदिर है जिनके द्वार बंद हो चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आंखें खोल भाई, आंखें खोल भाई। भाई अभी पता क्या हुआ, मैंने एक लड़के को बोला ना कि भाई एक फोटो ले देना, वो एक लड़की की फोटो ले रहा, तो लड़की कहती है कि दिस इज माय फोन, ये इसमें मेरी फोटो ले रहा पर्सनल। मैं कहा मैं तेरे फोन में थोड़ी फोटो लेने को कह रहा हूँ यार, अपना फोन दे रहा हूँ, अपना ही फोन दे रहा हूँ तेरे को, आई बॉलिटी आई फोन है, आई बड़ी आली मोटी शाणी। यहाँ पे दोस्तों पंडाल के साथ यहाँ पे शॉप भी वगैरह है, यहाँ से कुछ भी शॉपिंग मतलब कर सकते हो, अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए यहाँ पे शॉपिंग के भी, फूड के भी, कुछ भी खा पी सकते हो। देखिए अब यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं, आप जाएंगे तीसरे पंडाल की तरफ, खुले अपना सपोर्ट दे रहे हैं भाई हमें, प्रीत जी चलते हैं आगे तीसरे पंडाल की तरफ अपने। दोस्तों भीड़ देखने के लिए यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दोस्तों हम दोनों क्या कर रहे हैं, नए नए जिम ज्वाइन करा है हम लोगों ने, और हमें थोड़े से ना बाइसेप्स वाइसेप्स में फर्क आने लग गया, तो हम ये बाहर का आइटम तो खा रहे नहीं है, खाने रहते इन लोगों को सागर। हम क्या आएंगे, हमारा फास्ट भी था, सो इसमें से अभी हम फास्ट खाए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा फास्ट है, पर हमारा मन नहीं करता है, वो बात भी नहीं, फास्ट वैसे हम और खा भी नहीं रहे, मतलब बाहर की चीज़ छोड़ो वैसे भी हम कुछ नहीं खा रहे, तो अभी सिर्फ पानी पियेंगे, बाकी अमन और आकाश जो है वो खाएंगे रंगीन व्यंजन, रंगीन व्यंजन हम खाएंगे केले, हम खाएंगे केले पानी और बस फ्रूट वगैरह भी है। नहीं नहीं आ जाओ भैया, नए दोस्त मिले हमें, क्या हाल है, मेरा भाई सूरज कुमार, सूरज कुमार भैया अपने, हाँ जी आप भाई हमारे, हमें यहाँ मिला है महालक्ष्मी मुंबई, मुंबई और भाई मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम, यहाँ से एंट्री हम जाके थर्ड पंडाल पे देख सकते हैं। कहीं बेले देखे जवानी के रेले देखे हसीनों के मेले देखे मैंने, ओ तू ही जा गया तू ही भा गया, अरे नैनों में सपना सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया, सजनी पे दिल आ गया, माता की।
फिल्म देख। ऐसा लग रहा है कि पत्थर है, लेकिन ये पत्थर नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ रियलिटी क्या है इसकी। यहाँ से आएगा हम एग्जिट पे, यहाँ से निकलेंगे बाहर और सीधा आएंगे सीधा घर के लिए। घर चले सीधा। हाँ दोस्तों, गाड़ी तो हमने पार्किंग पे लगा दी, लेकिन अब पता नहीं कि गाड़ी हमने पार्क करी कहाँ पे थी। एक घंटे हो गए, एक घंटे समथिंग हो गए हमें चक्कर लगाते लगाते। लेकिन एक दिमाग ये लगाया था कि उसके पास नियर बाय एक कॉर्नर था फूड का, अब वो जगह नहीं मिल रही, वो फूड कॉर्नर वो जगह ही नहीं मिल रही। वो फूड कॉर्नर है कहाँ? कौन सा फूड कॉर्नर? तो चौधरी फूड कॉर्नर था सीआर पार्क में। लेकिन अब पता ही सेक्टर 40A ब्लॉक, 40A ब्लॉक सब कुछ पता है, सबने आधे आधे एड्रेस याद करे थे, लेकिन ये नहीं पता साला है कहाँ। हम पूरा सीआर पार्क भटक रहे हैं इधर से उधर। बताओ कैसे मिलता है आपको, पता लग ही जाएगा। ब्लॉग गूगल भी हमारा चूतिया काट रहा है, गूगल भी जैसे उधर घुमा रहा है। ये किंसू वाला हाल कर रहा है, जिस दिन हम गए थे ना सैंडविच किंग में, सैंडविच किंग गए थे जिस दिन, वो वाला हाल कर रहा है। ये लगाया इसने मैप, सही लगाया, चलो ठीक है। हम जा रहे हैं पैदल वॉकिंग में, बंदा लगा रहा है गाड़ी वाला, वो कहीं और से रास्ता दिखा रहा है। दोस्तों क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी हो चाहे पैदल हो, पहुँचना तो मंजिल पर ही है। काफ़ी डीप बात मैंने कही है, इसको अकेले में सोचना चार पाँच बार सुन के। तो बड़े साले कोई गाली देके गया यहाँ से, क्या बोला रात के टाइम पे? तो एक गाली खाली क्या बोला, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को उस पे। बोला छोड़ दो, क्या बोला, क्या बोला वो? वो बोला कुछ मत बोलना, बोला कुछ मत बोलना। वो ऐसे बोला बीप। ऐसे भाई ऐसे बात करता है, किंतु दहेज के बिल्कुल खिलाफ है, लड़की लेगा ही नहीं, सिर्फ गाड़ी गाड़ी ले लेगा। हाँ तो फाइनली अपनी गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे। क्या करूं वरना है तो मैं, तू अपनी गाड़ी छोड़। दोस्तों फाइनली जो है हमने सारे के सारे पंडाल देख लिए हैं चितरंजन पार्क में, जिसको सीआर पार्क भी बोला जाता है। ये है नेहरू प्लेस के पास नियर बाय। सो फाइनली अभी हम जा रहे हैं घर को और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जयकारा से अगले वीडियो में दरबार की जय। गाइस भंडारा है गली नंबर 3 और गली नंबर 2 में कल तो जल्दी आ जाइए। हम लोगों ने भी अपने वहां पे माता रानी ने बिठाए हैं पंडाल वगैरह, भंडारा है तो वहां पे कल भंडारा है, जरूर आना। पोज नहीं लेना होता है, ठीक है, मैं तो नहीं आ रहा ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।